एसीएल लिगामेंट मतलब एसीएल सर्जरी हुई है मेरे को, लिगामेंट एसीएल जो अपने घुटने के फ्रंट साइड में हो जो होती है एसीएल लिगामेंट सर्जरी। सो मुझे अभी 3 या 4 दिन हुए मुझे ऑपरेशन कराए हुए, 3 या 4 दिन हाँ हो रहे हैं। और मेरे को जरा सा भी मेरे को ना इस पे बोझ नहीं देना बिल्कुल, इससे मेरे को वॉकर से चलने के लिए बोला गया है, 14 या 15 दिन आपको वॉकर से चलना है। और मेरे नीचे मतलब कि 14 4 या 5 कट लगे हैं, एक नीचे लगे हैं और मैं आपको बताऊंगा अभी कट कहाँ कहाँ लगे हैं। वहाँ पे मेरे कट लगे, देखो दिखाता हूँ मैं उनको। एक मेरे यहाँ लगा है, एक मेरे यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है। मेरे लगे 5 कट लगे हैं टोटल एसीएल लिगामेंट सर्जरी के लिए। मेरे क्या है जो लिगामेंट होता है एसीएल वो पूरा टूट गया था, तो मेरे यहाँ से नीचे से नस ली गई है वो यहाँ पर लगाई गई है। और अभी तक मुझे मतलब 15 दिन तक तो मेरे को वॉकर से चलना है और बाकी आने वाले टाइम में बताते हैं आपको।
गाइस अपने को ऑलमोस्ट 1 month हो गया अपने को एसीएल सर्जरी कराए हुए। सो एसीएल सर्जरी कराने के बाद देखो, मैं जब 2 या 3 दिन मुझे हुए थे सर्जरी कराने के बाद, जब मेरा पैर बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं हो रहा था, बट आज बता रहा हूँ जैसे 28 से 29 दिन हो गए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। मतलब कि देखो पूरा पूरा भी नहीं बोल सकते, पूरा फोल्ड हो चुका है, बट हाँ थोड़ा टाइम बस या 15 या 20 दिन या 25 दिन के अंदर पूरा फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइमिंग जो होता है वो 2 से 2.5 month का होता है कि यहाँ आपका जो पैर है एसीएल सर्जरी के आफ्टर, मतलब आपको 2 से 2.5 महीने के बाद आपका जो फोल्ड है वो पैर है वो पूरा फोल्ड हो जाता है। बट अभी तक अपने को 1 month भी नहीं हुआ, बट अपना पैर बहुत मतलब ज़्यादातर फोल्ड हो चुका है, क्योंकि अपन ने इसमें क्या होता है कि आप एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका जल्दी पैर फोल्ड होगा। तो देखो पेन भी होता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि पैर अलग सा है अंदर से, बीच में जो नहीं होता है वो ऐसा लगता है कि भाई अलग हो रखा है, बट क्या कर सकते हैं, पेन को सहना भी पड़ता है। सो ये तो रही सर्जरी की बात और अपने चैनल की बात, अपने राइडिंग की बात, अपने ट्यूरिंग की बात। तो ट्यूरिंग की बात करें तो देखो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते कि अभी अपना प्लान था जाने का, बट क्या कर सकते हैं ये चीज़ हो गई, अब इसके कम से कम 1 साल तक अपने को कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं जानी होगी। सो अपन लेके आएंगे जल्दी से जल्दी, अपन वीडियो लेके आएंगे। सो देखो ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि ताकि हाँ आपको भी पता चल सके कि अपने साथ क्या हो रहा है। सो किसी ने एसीएल आपके किसी फ्रेंड ने अगर एसीएल सर्जरी कराई दी है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि उसको भी एडवाइस मिल सके कि हाँ क्या होता है एसीएल सर्जरी के बाद, कितने टाइम में फोल्ड होता है, ये सारी चीज़ें। सो वीडियो ये ज़्यादा अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते गाइस ऐसी ही नहीं किसी दूसरी वाली बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।